बड़ी खबर मुंबई से है, जहां नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। इस एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। इससे पहले रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने समृद्धि महामार्ग का निरीक्षण किया और इसकी गुणवत्ता पकड़ी। साथ ही आपको बता दें कि हाईवे पर फडणवीस ने नागपुर से शिरडी तक कार चलाई। इस दौरान उनके साथ कार में सीएम शिंदे भी बैठे रहे। डिप्टी सीएम फडणवीस खुद कार ड्राइव किया और इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे एक गेम चेंजर परियोजना होगी, जो दोनों शहरों को करीब लाएगी और व्यापार बढ़ाएगी। तो शिंदे और फडणवीस प्रधानमंत्री के दौरे से पहले काम का निरीक्षण करने के लिए नागपुर पहुंचे। नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 दिसंबर को ये खुशी का क्षण होगा, क्योंकि नागपुर से शिरडी तक का 520 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। शिंदे ने कहा कि मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे गेम चेंजर प्रोजेक्ट होगा। 18 घंटे की यात्रा का समय घटकर 6 से 7 घंटे हो जाएगा। मुंबई और नागपुर करीब आएंगे और व्यापार बढ़ेगा, इससे किसानों को भी मदद मिलेगी। शिंदे ने कहा कि इस परियोजना के साथ कम से कम 10 जिलों को प्रत्यक्ष और 14 अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे देश में समृद्धि लाएगा। मुझे बताते हुए ये खुशी मिल रही है कि इस परियोजना का नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि 49,250 करोड़ रुपए की लागत से बना 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 11 जिलों में फैले 392 गांवों से होकर गुजरता है। गाड़ी खुद मुख्यमंत्री चला रहे हैं, मैं पहले एक बार ट्रायल ले चुका हूँ। ये रोड जो है इतना जबरदस्त रोड है, गेम चेंजर है। इसका हम लोग आज आनंद ले रहे हैं सफर का।